मार्स वो प्लेनेट है जिसने सालों से हम इंसानों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रखा है। मार्स पे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सूखे रेगिस्तान है, बंजर जमीन है और कुछ जगह ठंड भी है। कुछ जगह क्या, पूरा मार्स ही ठंडा है। मार्स का एवरेज टेम्परेचर -53 डिग्री सेल्सियस है, जो कि रात के समय -128 डिग्री सेल्सियस और दिन के समय 27 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो फिर हम इस बंजर, रेतीले और ठंडे जगह के लिए इतने परेशान क्यों हैं? और एलन मस्क इस प्रोजेक्ट पे अरबों खरबों रुपए क्यों खर्च कर रहे हैं? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मार्स से जुड़े हुए ऐसे ही चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज के बारे में। हेलो एवरीवन, तो चलिए चलते हैं आज एक ऐसे सफर में मार्स की तरफ। एलन मस्क स्पेस एक्स का फाउंडर और वो आदमी जिसका सपना ह्यूमैनिटी को मार्स पर लेके जाना है। स्पेस एक्स को अभी तक नासा से 1.3 बिलियन डॉलर का फंड मिल चुका है और एलन मस्क ने भी इसमें मिलियन एंड बिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च किया है। एलन मस्क का कहना है कि वो 2029 तक मार्स पे 10 लाख ह्यूमन को भेज देंगे और स्पेस एक्स ने 2024 में ही फर्स्ट ह्यूमन को मार्स में भेजने की बात की है। तो आपने ये तो सोचा ही होगा कि एलन मस्क के पास बेशुमार पैसा है, फिर वो एक बड़ा सा स्पेस शिप बना के मार्स पे सभी को भेज क्यों नहीं देते? आखिर रास्ते में प्रॉब्लम क्या है? इमेजिन कीजिए कि एलन मस्क ने एक बड़ा सा रॉकेट बना दिया और उसे मार्स की तरफ भेज दिया विद सम ह्यूमंस। अब रास्ते में प्रॉब्लम क्या है? तो पहला प्रॉब्लम है टाइम, क्योंकि अर्थ से मार्स जाने में अराउंड 9 मंथ्स लगता है और ये कम टाइम नहीं है। इस समय में लो ग्रेविटी की वजह से हमारे बोन वीक पड़ जाते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम भी वीक पड़ जाते हैं और जेनेटिकल ऑर्गन में भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। दूसरा प्रॉब्लम है स्पेस रेडिएशन का, जो कि काफ़ी डेंजरस है। इससे रेडिएशन सिकनेस, लाइफ टाइम कैंसर का खतरा और नर्वस सिस्टम में भी इफेक्ट पड़ता है। स्पेस में आई प्रॉब्लम भी काफ़ी कॉमन है। अगला प्रॉब्लम है फ्यूल, फूड एंड वाटर का। इमेजिन कीजिए कि आप मार्स में पहुंच गए, लेकिन मार्स में चैलेंज कम नहीं है। पहला है मार्स का हार्श एनवायरनमेंट। मार्स में बहुत ठंड पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ ह्यूमन लाइफ एंड प्लांट लाइफ को एक्सपेंड करना काफ़ी टफ है। दूसरा प्रॉब्लम है वहाँ का एक्सट्रीम वेदर, रेडिएशन एंड डस्ट स्टॉर्म। मार्स में एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर भी नहीं है। अगला प्रॉब्लम है मार्स के रिसोर्स को यूटिलाइज करना। मार्स में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, H2O, आयरन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम जैसे काफ़ी सारे रिसोर्स हैं, जिनका यूज़ ह्यूमन लाइफ के सर्वाइवल और फ्यूल के लिए किया जा सकता है। इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन जैसे टेक्नोलॉजी की मदद से एलन मस्क मार्स के रिसोर्स का यूज़ करना चाहते हैं और मार्स को एक हैबिटेबल प्लेनेट में बदलना चाहते हैं। अच्छा, अब हम लोग मार्स में पहुंच गए, सारे चैलेंजेस को भी फेस कर लिया। अब मार्स में पहुंच के फ़ायदा क्या है? तो पहला फ़ायदा है साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन। मार्स के एटमॉस्फेयर के ऊपर हम लोग स्टडी कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं क्या वहाँ पे लाइफ प्रेजेंट था और क्या अर्थ के बाहर भी लाइफ प्रेजेंट है। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है इंटरप्लेनेटरी सिविलाइजेशन, मतलब अगर कल को अर्थ में कोई नेचुरल डिजास्टर या कोई न्यूक्लियर वॉर हो जाए
तो कम से कम ह्यूमन स्पीसीज एक्सटिंक्शन से बच जाएं। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, उस हिसाब से हम कुछ ही सालों में मार्स पे ह्यूमन को चलते हुए देखेंगे एंड मे बी ये रेड प्लेनेट हमारा घर भी बन सकता है। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आई होप यू लाइक द वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मीट यू सून, बाय बाय।